गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इंदिरा मैम, योर मैथ्स टीचर। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, होल एंड पार्ट्स फ्रैक्शंस। लेट्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये फ्रैक्शंस थोड़ा समझाऊंगी। यहाँ पे बेटा जैसे देखिए, यहाँ पे ये होल है ना, ये पूरा, ये जैसे एक वन सर्कल है, तो ये वन सर्कल को हम क्या कहते हैं, होल। देन इसके हमने 3 पार्ट्स किए हुए हैं, तो 3 पार्ट्स, जैसे दिस इज वन पार्ट्स, दिस इज वन पार्ट्स एंड वन पार्ट्स, तो टोटली 1 2 3 पार्ट्स को हम देखो, ये हमने इसको सॉल्व किया 3 अपॉन 3, तो 3 1 3 3 1 3, टोटली क्या आया 1। तो इस तरह से ये इसके पार्ट्स, जो इसके फ्रैक्शन कहे जाते, तो ये 1 अपॉन 3, यानी कि 3 में से 1 पार्ट, यानी कि 1 आउट ऑफ 3 मीन्स कि ये टोटली 3 पार्ट बने हैं। तो ये जो 1 पार्ट है ना, ये जैसे 1 अपॉन 3, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये देखिए, इसमें से जैसे 2 सेट किए हुए हैं, जैसे ये कलर किया हुआ, इसमें इसको सेडेड कहते हैं। तो जैसे सेड किया हुआ है ये 1 एंड 1, 2 जो है ये ब्लू सेडेड है, एंड 1 जो है वो पिंक सेडेड है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ द होल सेडेड इन, मीन्स कि पिंक, हाउ मेनी पिंक सेडेड, तो 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 जो है वो पिंक सेडेड है, एंड ब्लू, तो 2 अपॉन 3 जो है वो ब्लू सेडेड है, मीन्स कि 3 में से 2 आउट ऑफ 3। ओके, मैं आपको, देन द पार्ट इन पिंक शोज 1 पार्ट ऑफ होल, इट इज अ यूनिक फ्रैक्शन। मीन्स कि जो जैसे कि 1 पार्ट जैसे आता है ना, जैसे अभी यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 3 पिंक पार्ट आया है, देन 1 अपॉन 5, जैसे 1 अपॉन 6, ये सब यूनिट फ्रैक्शन में कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें सबको हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। देन 1 अपॉन 3 इज रीड एज 1/3 एंड 2 अपॉन 3 इज रीड एज 2/3। ओके, जैसे कि 1 अपॉन 3 है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1/3। ओके, जो नीचे बिलो नंबर जो होता है, उसे हम जैसे 1st 2nd 3rd, इस तरह से हम उसको लिखेंगे 4th, एंड 2 अपॉन 3rd, तो जैसे इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 2/3। ओके, नाउ जैसे आई कैन देखो, फर्स्ट सेड 1 पार्ट एंड राइट द फ्रैक्शन ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब जैसे कि ये यहाँ पे 1 ये दिया हुआ है होल, इसमें से देखिए सेडेड क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये सेडेड 1, यहाँ पे क्या कहा है आपको, सेड 1 पार्ट, मीन्स कि ये जो है उसमें आपको 1 पार्ट को सेड करना है, तो ये हमने 1 पार्ट को हमने ये सेड कर दिया। देन टोटली कितने हैं, तो 1 2 1 2 3 4, टोटली हैं 4, तो हमने यहाँ पे ये 4 लिखा। देन इसमें से सेडेड पार्ट कौन सा है, तो सेडेड पार्ट इज 1। ओके, सो यहाँ पे हमने 1 अपॉन 4 लिखा कि 1 आउट ऑफ 4। ओके, नाउ यर यहाँ पे देखो 2 पार्ट है ना, तो हम टोटली क्या लिखेंगे, 2 पार्ट, एंड इसमें से हम 1 पार्ट को क्या कर देंगे, सेड। सो यहाँ हियर 1 अपॉन 2। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए टोटली कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8, एंड उसमें से 1 सेडेड, तो ये 1 अपॉन 8। देन सेकेंड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इच शेप इज कलर्ड, मीन्स कि इसमें से कितने नंबर जो है वो, कितने पार्ट्स जो है वो कलर किए हुए सेडेड है। तो देखिए यहाँ पे टोटली कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सो ये यहाँ पे हमने 9 लिखा, एंड हाउ मेनी सेडेड पार्ट, तो 1 2 3, तो ये 3। ओके, 3 अपॉन 9। समझा, यहाँ पे देखिए कि टोटली कितने सेडेड पार्ट है, 2, तो 1 2, सो हमने यहाँ पे 2 लिखा, और टोटली कितने में से सेड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो हियर 10, तो 2 आउट ऑफ 10।
टू आउट ऑफ टेन. देन हाउ मैनी, देखो यहाँ पे हाउ मैनी स्टडेड पार्ट्स, वन टू थ्री फोर. सो यहाँ पे हमने फोर लिखा एंड कितने में से हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन. सो फोर आउट ऑफ सेवन. ओके नाउ थर्ड, कंप्लीट द टेबल. नाउ यहाँ पे आपको फिगर्स दिए हुए हैं, फ्रैक्शन ऑफ स्टडेड पार्ट. टोटली आपको स्टडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है, देन फ्रैक्शन इन वर्ड्स. यहाँ पे देखिए टोटली कितने नंबर हैं, वन टू थ्री फोर. सो हियर हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमने क्या लिखा, फोर, एंड नंबरेटर आएगा वन, है ना. तो वन एंड वन यहाँ पे हम लिखेंगे एंड फोर. ओके नाउ ये फ्रैक्शन हमारा बन गया वन आउट ऑफ फोर, वन अपॉन फोर. देन इसे हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, वन एंड ये फोर्थ. सो यहाँ पे हमने फोर्थ लिखा. देन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थ्री, यहाँ पे टोटली थ्री है एंड उसमें से साइडेड कितने पार्ट्स हैं, तो वन एंड टू. सो यर हमारा ये फ्रैक्शन क्या बना, टू अपॉन थ्री. देन टू थर्ड्स, समझ में आपको ये. उसके बाद में 6.1 एक्सरसाइज 6.1 टोटली देखिए यहाँ पे क्रेयॉन्स कितने हैं, हाउ मेनी क्रेयॉन्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ओके टोटली यहाँ पे 10 क्रेयॉन्स हैं. देन ए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्रेयॉन्स आर येलो, इसमें से आपको येलो क्रेयॉन्स शो करने हैं. तो टोटली कितने 10 क्रेयॉन्स हैं और उसमें से 4 क्रेयॉन्स येलो है, है ना, ऑफ द क्रेयॉन्स आर येलो. देन 4 अपॉन 10, 4 आउट ऑफ 10. ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्रेयॉन्स आर ब्लू, देन 6 यहाँ पे ब्लू क्रेयॉन है एंड 10 में से कितने टोटली ब्लू है, तो 1 2 3 4 5 6. सो 6 अपॉन 10. देयर आर 12 बर्ड्स, टोटली बर्ड्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो हियर 12 बर्ड्स एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बर्ड्स आर ग्रीन, तो 4 अपॉन 12 एंड टोटल 12 में से ग्रीन कितनी है, हाउ मेनी ग्रीन्स, 1 2 3 4. सो 1 2 3 4, तो 4 अपॉन 12. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बर्ड्स आर रेड, 1 2 3 4, सो 4 अपॉन 12. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बर्ड्स आर येलो, 1 2 3 4, सो 4 अपॉन 12. देन 3, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड फिगर, 1, हाउ मेनी टोटली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 हियर डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे. फर्स्ट पार्ट जो होता है बेटा, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे न्यूमरेटर्स कहते हैं एंड यहाँ पे ब्लो वाला जो पार्ट्स होता है उसे डिनोमिनेटर्स कहते हैं. तो टोटली 8 में से 4, तो 4 अपॉन 8. नाउ बी, 1 2 3 4 5 6, सो एंड साइडेड इज 2, तो 2 अपॉन 6. 1 2 3 4, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो हियर और साइडेड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 अपॉन 12. ओके नाउ एक्सरसाइज 6.2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इच फिगर इज शेडेड, यानी टोटली कितना क्या फ्रैक्शन बनेगा शेडेड पार्ट्स का. तो टोटली कितने हैं, 3, एंड शेडेड कितने हैं, 2. सो यहाँ हियर 3 में से 2, यानी कि 2 अपॉन 3. बी, 1 2 3 4 5 6, सो 6 टोटली यहाँ पे अपने को नीचे लिखना है और उसमें से कितने शेडेड पार्ट्स है, तो 1 2 3 4. सो 4 हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे. सो मैं सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटली 9 है और 9 में से शेडेड पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट इसमें शेडेड है. समझ में आपको, तो 6 अपॉन 9, टोटली ये है 12 एंड उसमें से शेडेड पार्ट्स है 8. सो 8 अपॉन 12. ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो, फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं न्यूमरेटर्स. जो देखो फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाले यहाँ पे जो
जो पार्ट्स होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं एंड जो बिलो वाला जो पार्ट्स होता है उसे डिनोमिनेटर्स कहते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर शो करना है आपको फ्रैक्शन ऑफ सेडेड पार्ट। तो टोटली कितने हैं, सेवन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड न्यूमरेटर। तो यहाँ पे सेडेड पार्ट कितना है, 1, सो न्यूमरेटर 1 एंड सेडेड सॉरी डिनोमिनेटर इज 7, फ्रैक्शन ऑफ सेडेड पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/7, देन 1 2 3 4 5 6 7, सो हियर सेडेड पार्ट है 4 एंड टोटली है 7, सो 4/7। अंडरस्टैंड, ये समझ में आया आपको बेटा? ये आपको सिर्फ बुक में ही करना है, आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको सिर्फ बुक में करके समझो। ओके okay?